हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स क्लास दस की त्रिकोमिति का यह पार्ट छः है इसके पहले फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट वन से लेकर पार्ट फाइव तक अपलोड कर दिया गया है जिसमें आपको आप सभी को सभी लॉन्ग क्वेश्चन कराया गया है फ्रेंड्स आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके 2024 में 101 परसेंटेज फ्रेंड्स आपको गारंटी देते हैं कि यही सब सवाल आने वाले हैं फ्रेंड्स ये जितने भी सवाल हैं सभी वायरल प्रश्न हैं फ्रेंड्स आज जो आपको पार्ट सिक्स में त्रिकोणमिति का सवाल कराएंगे आज बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराने वाले हैं फ्रेंड्स आप सभी को ट्रिक से बहुविकल्पी प्रश्न सेकेंडों में आप कैसे निकाल सकते हैं आपको निकालने का तरीका बताएंगे बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे फ्रेंड्स आपको ट्रिक से कैसे सवाल हल किया जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में सिखाने वाले हैं चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है कि संपूर्ण त्रिकोणमिति का रिवीजन करेंगे यानी पूरा त्रिकोणमिति इसमें सभी रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स बहुविकल्पी प्रश्न में ठीक है तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने यह पहला नंबर का सवाल है इस सवाल को आपको कैसे हल करना है यहाँ पर आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं फ्रेंड्स और आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं ठीक है देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या है फार्मूला है आपको ये सभी फार्मूला याद होगा और इसको पढ़ा भी चुके हैं यदि आप इस फार्मूले को नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं ठीक है कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कास्ट थीटा टैन थीटा इस सभी को आप एक जगह लिख लीजिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स आपका ट्रिक यदि आपको ट्रिक समझना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको देखिए आपका जो त्रिकोणमिति जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसमें तीन चार और पाँच का रेशियो होता है जब इसको सवाल हल करेंगे तब उसमें बताएंगे फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ ठीक है आठ और पंद्रह और सत्रह का रेशियो आपस में समान होता है ठीक है यानी कि सात चौबीस पच्चीस बस ये तीन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स सवाल हल करते समय इसको बताएंगे बार बार बताएंगे जिससे ये आपका अंक जो होगा याद हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स आपका जो पहला नंबर का सवाल है यदि काश ए बराबर चार बटा के पाँच हो तो काट ए का मान होगा देखिए फ्रेंड्स ये दो हज़ार ग्यारह में और दो हज़ार पाँच में यह सवाल पूछा जा चुका है अब देखिए फ्रेंड्स इसको लगाना लगाने के लिए आप बैठेंगे तो पैथागोरस प्रमेय लगाएंगे ठीक है सब निकालेंगे लेकिन आपको इसको ट्रिक से बताते हैं कि इस सवाल को आप कैसे लगा सकते हैं ये है आपका काट ए का मान ज्ञात करना है ना फ्रेंड्स तो देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए पहले जो फार्मूला है इसको लिखते हैं क्या है काश ए बराबर चार बटा के पाँच देखिए काश ए बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स देखिए आप फार्मूला जब देखेंगे तो काश ए बराबर क्या होता है आधार बटा कड़ होता है ना तो यहाँ पे लिखिए आधार बटा के कड़ अभी फ्रेंड्स बस एक मिनट बने रहिए देखिए फिर आप कैसे लगाते हैं इस सवाल को ट्रिक से आधार बटा के क्या हो जाएगा कड़ हो जाएगा ठीक है कितना दिया है चार बटा के पाँच दिया है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आधार कितना हुआ आधार देखेंगे तो आपका कितना होगा चार होगा कड़ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स तो आपका कड़ होगा पाँच ठीक है चार पाँच अब फ्रेंड्स देखिए ट्रिक लगता है देखिए फ्रेंड्स जब आपका चार पाँच दिया हो तो आपको पैथागोरज पर लगा के निकालेंगे तो आपका तीन ही होगा तीन चार पाँच होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका आधार पता है कड़ पता है तो लम कितना हो सकता है तो लम्ब बिना निकाले आप बता सकते हैं कि कितना होगा तो बस ये याद रहे अगर एस ना इसमें तो लम्ब कितना होगा देखिए चार दे चुका है पाँच दे चुका है तो अब आपका तीन नहीं दिया है ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लम्ब तीन हो गया देखिए अब देखिए आपको पूछ कर रहा है काट है ना तो काट ए का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स काट ए बराबर फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे फार्मूला दिखाते हैं आपको काट ए बराबर होता है आधार बटा के लम्ब यहाँ पर रख लीजिए आधार बटा के देखिए यहाँ पे काट एक्चुअली चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं काट ए बराबर क्या होता है आधार बटा के लम लम देखिए आधार कितना है आपका आधार देखें चार है और लम कितना है तीन देखिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितना आ गया चार बटा के तीन है इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से सभी सवालों को आपको ट्रिक से बताएंगे फ्रेंड्स आप बस वीडियो में लास्ट तक फ्रेंड्स रुके रहिएगा ठीक है देखिए फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर का सवाल है देखिए यदि कोई ए बराबर सत्रह बटा के पंद्रह हो तो सेख ए का मान ज्ञात कीजिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोसेक एक पर फार्मूला लिखिए जब कोसेक एक, एक फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पे लिख के बताते हैं फ्रेंड्स थोड़ा समझ लीजिए आप फिर उसके बाद लगा लेंगे क्वेश्चन ए बराबर फार्मूला फ्रेंड्स क्या होता है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ए बराबर होता है कड़ पटाखे लम तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ के लम लिखेंगे देखिए यहाँ पर कड़ कितना है मतलब को सेक का मान कितना दे सत्रह बटा के पंद्रह तो यहाँ पे हो जाएगा सत्रह बटा के पंद्रह तो इसका मतलब फ्रेंड्स कड़ कितना आया सत्रह और लंब कितना हुआ पंद्रह अभी फ्रेंड्स बताएंगे जब सत्रह पंद्रह देगा तो इसमें रेशियो देख लीजिए जब सत्रह है पंद्रह है इसका मतलब आपका एक और जो भूजा रहेगा आठ आएगा तो इसका मतलब कड़ है लंब है तो आपको आधार पता करना है तो आधार कितना हो जाएगा आठ होगा यानी कि आठ सत्रह पंद्रह होता है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा कितना है सेक एक का मानना यहाँ सेक ए बड़ा क्या हो जाएगा फार्मूला देखिए sec ए बरा फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे sec ए बराबर कड़ बटा के आधार होता है तो यहाँ पे लिखिए कड़ अपान आधार बहुविकल्पी प्रश्न प्रश्नों को फ्रेंड्स इसी तरह लगाया जाता है ठीक है एक नंबर का रहता है इसीलिए आपको स्ट्रिक इस बता रहे हैं ठीक है लॉन्ग यदि आपको विधि सीखना है तो आप पिछले जो एक से लेकर पाँच तक पार्ट वन पार्ट टू पार्ट फाइव तक अपलोड किए वहाँ पर जाकर आप लांग विधि सीख तक सीख सकते हैं यहाँ कड़ कितना है फ्रेंड्स कड़ सत्रह है तो सत्रह कर लीजिए आधार कितना है आठ हो तो आठ कर लीजिए कितना आंसर आया सत्रह बटा के आठ यहाँ पर देखिए आंसर सत्रह बटा के आठ कहाँ पर दिया है ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा और ये देखिए फ्रेंड्स दो के पेपर में आ चुका है ठीक है अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अगले नंबर के सवाल को बताते हैं देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या है ठीक है इस सवाल को देखिए आप कैसे हल करेंगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स याद दिया है कि यदि तीन का ठीठा बराबर चार है तो कोशे ठीटा का मान होगा इस सवाल को देखिए फ्रेंड्स आप कैसे लगा सकते है? तो हैं तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे का ठीठा थी, बराबर लिखना रहेगा तो काट का ठीठा बराबर लिखना रहेगा तो क्या लिखें का ठीठा थी, बराबर ये चार है तो चार लिखिए देखिए तीन को पच्छांतर करेंगे इसके बटा में आ जाए कितना हो जाएगा तीन, अब काट ठीटा का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है चलिए फिर से देख लीजिए बार बार देखते रहेंगे फ्रेंड्स याद हो जाएगा काट थीटा का फार्मूला तो आधार बटा के लम यहाँ पर लिखिए आधार अपान लम लिख लीजिए क्या लिखेंगे आधार बटा के लम यहाँ पे देखिए चार बटा का तीन है तो चार बटा का तीन कर लीजिए आधार कितना हुआ चार लम्ब कितना हुआ तीन तो फ्रेंड्स अगला भुजा जैसे आपको आधार तो अगला भुजा कड़ होता है कड़ कितना हो सकता है तो फ्रेंड्स देखिए आपको रेशियो बताएं तीन चार पाँच का होता है यहाँ चार तीन दिया तो इसका मतलब क्या होगा अगला भुजा पाँच होगा ठीक है अब देखिए मान किसका ज्ञात करना है फ्रेंड्स कोशेक का यहाँ कोशेक का बस फार्मूला आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए देखिए कोशेक थीटा बराबर फार्मूला क्या है यहाँ देखिए कोसेक का फार्मूला होता तो है बटा के यहाँ पर देख लीजिए कितना है बटा के लम्ब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर कर लीजिए बटा के लम कर लीजिए यहाँ देखिए कड़ का मान कितना है पाँच है लम का मान कितना है लम तीन है तो तीन कर लीजिए कितना आया आंसर पाँच बटा के तीन तो एंशोर देखिए मिलाइए फ्रेंड्स पाँच बटा के तीन कहाँ पे दिया है तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपके 2023 के पेपर में फ्रेंड्स सवाल आ चुका है देखिए फ्रेंड्स जो ट्रिक बता रहे हैं आप यदि इसे आप एक दो बार अप्लाई कर लेते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको गारंटी देते हैं दो से तीन सेकेंड में दो से तीन सेकेंड में आप आंसर दे सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर का सवाल है देखिए कैसे लगेगा यहाँ पे दिया है काश ए बराबर सात बटा के पच्चीस तो टेन ए प्लस काट ए का मान होगा देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को यदि आप पाइथागोरस परमे लगाना बढ़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ठीक है लेकिन आपको पाइथागोरस परमे यहाँ पर लगाना नहीं है जो ट्रिक बता रहे उसी ट्रिक से लगाइए देखिए अब इस सवाल को लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे पहले यहाँ पर क्या दिया है काश ए दिया है ना तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है यहाँ पर दिया है काश ए बराबर सात बटा के पच्चीस और काश ए का फार्मूला कितना होता है देखिए काश ए का फार्मूला आधार बटा कर यहाँ पर लिखिए आधार कर इसका मतलब आधार कितना हुआ सात और कड़ कितना हुआ पच्चीस तो फ्रेंड्स देखिए आपको आधार पता हो गया कड़ पता हो गया तो लम क्या हो सकता है तो लम बराबर देखिए रेशियो जो लिखा है फ्रेंड्स देखिए आप इसको याद रखिए यहाँ पे क्या है सात और पच्चीस दिया है तो इसका मतलब अगली भुजा कितना होगा चौबीस ना तो यहाँ पर लिख लीजिए चौबीस कितना लिखेंगे चौबीस अब देखिए फ्रेंड्स आपको टेन ए प्लस काट ए ज्ञात करना है ना तो पहले यहाँ पे टेन ए का मान ज्ञात कर लेते हैं टेन ए बराबर फार्मूला क्या होता है लम बटा के लम बटा के आधार होता है ठीक है देखिए लम का मान कितना आया आपका है लम का देखेंगे तो चौबीस आया है आधार कितना है तो आधार फ्रेंड्स देखेंगे आप तो सात है तो यहाँ सात कर लीजिए इसके अलावा सवाल में क्या है काट ए है तो काट ए का मान भी ज्ञात कर लीजिए काट ए इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स इसका उल्टा टेन का उल्टा होता है यानी कि आधार बटा के क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ठीक है आधार देखिए कितना है सात है तो सात कीजिए लंब कितना है तो लंब देखिए फ्रेंड्स कितना है चौबीस है तो चौबीस कर लीजिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज्ञात करना है किसका यहाँ पे चलिए हल करते हैं इसको टेन ए प्लस कार्ट ए का मान ज्ञात करना है टेन ए का मान कितना है चौबीस बटा के सात प्लस कार्ट ए का मान कितना है सात बटा के चौबीस अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं या इसके अलावा इसका तीरियल गुड़ा कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए चौबीस का चौबीस में गुड़ा करेंगे तो पाँच सौ कितना हो जाएगा छिहत्तर पाँच सौ छिहत्तर होता है और सात का सात में करेंगे सात सात उनचास होता है अपा अब सात का चौबीस में कर लीजिए देखिए कितना होगा एक सौ अड़सठ होगा देखिए सात सौ को अट्ठाईस सात दोनों का चौदह और दो कितना हो जाएगा सोलह अब जोड़ लीजिए फ्रेंड देखिए नौ छः पंद्रह होगा सात चार ग्यारह बारह होगा पाँच एक छः एक सौ अड़सठ कितना है फ्रेंड सोलह सौ सौ पच्चीस बटा के एक सौ अड़सठ देखिए कौन सा ऑप्शन सही है डी वाला और देखिए फ्रेंड्स ये आपके दो हज़ार तेईस के पेपर में आ चुका है फ्रेंड्स यदि आप इसको पाइथागोरस पर लगा के लांग विधि से लगाते हैं तो कम से कम एक पेज का ये सवाल है लेकिन आपको देखो ट्रिक के विधि से बताए हैं कितने कम समय में लगा दे रहे हैं तो जो सवाल बहुविकल्पी का होता है उसको आप ट्रिक्स लगाइएगा फ्रेंड देखिए जितने भी सवाल हैं आपको ट्रिक से ही बताने वाले इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पाँचवा नंबर का सवाल है यदि साइन ए बराबर तीन बटा के पाँच हो तो काश ए का मान पूछ रहा है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स साइन ए का फार्मूला क्या होता है साइन ए का फार्मूला होता है लम बटा कर्ण ठीक है फार्मूला अभी तक याद हो गया होगा फ्रेंड्स आप सभी को लम बटा कर्ण देखिए कितना दिया आसान का मान तीन बटा के पाँच दिया है इसका मतलब लम का मान तीन हुआ और कड़ का मान पाँच हुआ इसका मतलब देखिए लम दे दिया कड़ दे दिया तो इसका मतलब आधार कितना हो जाएगा तो आधार हो जाएगा आपका चार देखिए अभी इसका रेशियो बताते कि तीन चार पाँच यदि चार पाँच दिया है तो तीन होगा ठीक है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीन पाँच दिया था जिसका मतलब चार होगा तो आपको बस यही रेशियो याद करना है तीन चार पाँच का ठीक है इसमें से दो देगा तो एक अपना ऑटोमेटिक लिख सकते हैं बिना पाइथागोरस पर लगाए अब काश एक पूछ रहा है तो फ्रेंड्स देखिए काश एक का फार्मूला होता है आधार बटा के कड़ होता है आधार कितना है देखिए आधार चार है तो चार कर लीजिए कड़ कितना है पाँच देखिए कड़ कितना है पाँच है तो पाँच कर लीजिए कितना आया यार चार बटा के पाँच देखिए कई स्टेप में लगा रहे हैं ठीक है थीके? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रेंड्स तो इससे भी कम समय में आप बोर्ड के एग्जाम में सवाल लगा सकते हैं ठीक है इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स कितना चार बटा के पाँच इसका सही जवाब बी वाला होगा यह भी देखिए दो हज़ार बाईस के पेपर में आ चुका है ठीक है अब फ्रेंड्स देखिए अगले नंबर का सवाल आपके सामने है अगला नंबर का सवाल आप कैसे बोर्ड के एग्जाम में लगाएंगे ठीक है छठवां सवाल देखिए फ्रेंड्स टू टैन तीस अंश अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश का मान होगा देखिए फ्रेंड्स ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है दो हज़ार बाईस में पूछा गया है दो हज़ार उन्नीस में भी पूछा गया है देखिए इस सवाल को आपको ट्रिक्स बता रहे हैं फ्रेंड्स आप बस इसको याद रखिएगा तो आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं ठीक है आपको इसको दोनों विधि से बता देंगे लॉन्ग विधि और शार्ट विधि दोनों विधि से बताने वाले हैं ठीक है देखिए फ्रेंड्स शार्ट विधि में क्या है कि यदि आपका टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसे डायरेक्ट आप साइन टू थीटा लिख सकते हैं समझ में आया ये एकदम तो शार्ट विधि है फ्रेंड्स कि टू tan थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा देखिए लिखा है टू टैन थीठा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीठा का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा का मतलब कोड होता है अब यहाँ पे तीस अंश चालीस अंश पचास कुछ भी हो सकता है ठीक है इसको डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं साइन टू थीटा फिर इसके अलावा एक और फार्मूला याद रखेगा इस पर भी आपको सवाल हल कराएंगे आगे की वन माइनस रहेगा स्क्वायर थीटा रहेगा इस रूप में रहेगा तो इसे डायरेक्ट आप का टू थीटा लिख सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इसका यदि आप इसको जान रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना होगा इसका देखिए साइन टू थीटा होगा साइन दू गुड़े ठीठा का मान कितना दिया है आप देखिए तीस यहाँ पे दिया है और तीस यहाँ पे दोनों जगह तीस तीस दिया है तो यहाँ पर कितना रखेंगे आप तीस और ये देखिए कितना हो गया साइन तीस दो के साठ आंसर कितना है आपका साठ इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है तो ए वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स ये साठ विधि यदि आपको नहीं समझ में आया तो इस सवाल को आप लॉन्ग विधि से भी लगा सकते हैं तो चलिए आपको लॉन्ग विधि भी बता देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो देखिए फ्रेंड्स ये जो सवाल दिया है टू टेंटी इसने यहाँ पर लिखे दो गुड़े ठीक है टैंतीस अब आपको टैन तीस अंश का मान पता होना चाहिए तो देखिए ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात है ठीक है टेबल है इसको आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिए ठीक है आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कर दिए फ्रेंड्स सिर्फ आपको जाकर प्ले लिस्ट से आपको सभी वीडियो को सिर्फ देखना है देखिए टैंतीस देखिए टैन है तीस अंश का मान कितना होगा एक बटा कड़ी में तीन यहाँ पर आप रख लीजिए टैन तीस अंश का मान एक बटा के कड़ी में तीन अपन वन प्लस टेंटी संस का हमारा भी लिखा है फ्रेंड्स एक बटा कड़ी में तीन का यहाँ पर क्या हो जाए होल स्क्वायर अब देखिए ये लांग भी दी देखिए दो का एक में करेंगे दो बटा के कड़ी में तीन हो जाएगा अपान देखिए वन प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक और कड़ी तीन का करेंगे तीन हो जाएगा ठीक है देखिए दो बटा के कड़ी में तीन अपान तीन का देखिए एक में करेंगे तीन एक तीन प्लस वन बटा के तीन अब देखिए फ्रेंड्स अगला स्टेप में क्या करना है आपको दो बटा के कड़ी में तीन कीजिए इस तीन को जोड़ेगा कितना होगा चार बटा के तीन हो जाएगा अगला स्टेप दो बटाखे कड़ी में तीन अब यहाँ गुड़ा का चिन्ह बनाते हैं नीचे का भिन्न पलट जाता है आपको पढ़ाएं बार बार सिखाएं फ्रेंड्स कि जब नीचे भिन्न रहता है तो पलट जाता है देखिए दो एक के अंदू दो दू, दुना दू के चार हो जाएगा अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका क्या है तीन बटा के दो कड़ी में तीन आ गया देखिए फ्रेंड्स कभी भी हर में कड़ी का मान नहीं होना चाहिए अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे परी में कड़ करेंगे तीन बटा के दो कड़ी में तीन देखिए जो हर में रहता है उसी का अंश में गुणा कड़ी तीन है तो कड़ी तीन का अंश में और कड़ी तीन का हर में गुणा कर लेंगे ठीक है अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा कड़ी में तीन होगा इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन गुड़े दो गुड़े कड़ी तीन कड़ी तीन का कर करेंगे तीन हो जाएगा तीन से तीन कट जाएगा अब कड़ी में तीन बटा के दो हो जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स आपको देखना पड़ेगा कि इसमें किसका मान कड़ी में तीन होता है तो फ्रेंड्स जब ध्यान से देखेंगे तो साइन साठ अंश का मान कितना होता है कड़ी में तीन बटा के दो होता है का साठ अंश का मान कितना होता है एक बोटा के दो होता है टेन साठ अंश कमान कड़ी में तीन होता है साइन तीस अंश कमान एक बोटा के दो यदि आपको ये मान सभी याद रहेगा तब आप इसको लगा सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स देखिए आपको कितना समय लगा कई स्टेप में ये सवाल लगा है लांग विधि से लेकिन आपको साठ वीडियो में बस याद क्या रखना है अगर टू टेन तीस अंश वन प्लस टेन इसको आप यहाँ पर प्लस रहेगा टेन इसको तीस रहेगा जिससे डायरेक्ट आप साइन टू ठीठा लिख सकते हैं तो दू गुढ़े का मान यहाँ पे जितना रहेगा उसका तीस बुना के साठ कर लीजिए तो कितना होगा तीन तीस बुना के साठ पे साइन के रूप में होता है तो साइन साठ अंश हो गया देखिए सेकेंडों में लगाया कि नहीं लेकिन लांग लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा तो आपको दोनों विधि बता दिए जो आपको पसंद हो उस विधि से आप बोर्ड के एग्जाम में सवाल लगाइएगा ठीक है थीके? अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं सातवां नंबर का सवाल आप कैसे हल करने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे कि टू टेन स्क्वायर पैंतालीस प्लस अंश का मान कितना होगा देखिए फ्रेंड्स इसका कोई ट्रिक नहीं होता इसको थोड़ा सा आपको बताते हैं हल करके इसको हल ही करना पड़ेगा देखिए क्या होता है कि दू गुड़े टेन स्क्वायर पैंतालीस तक टेन पैंतालीस अंश का मान कितना होगा देखिए फ्रेंड्स ये टेबल आपको याद होना चाहिए ये जो टेबल याद है तो बहुत कम समय में लगा लेंगे टेन पैंतालीस अंश का मान कितना होगा एक ठीक है तो यहाँ पर आप रखिए एक देखिए टेन पैंतालीस की जगह आप एक रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए प्लस काश तीस अंश का मान देखिए कितना होता है तो काश ये है तीस अंश का मान कितना होगा कड़ी में तीन बटा के दो यहाँ पर रखेंगे कड़ी में तीन बटा के दो स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर कर लीजिए माइनस साइंस साठ अंक का देखिए फ्रेंड साइन साठ साइन ये है साठ ये तो साइंस साठ अंश का मान कड़ी में तीन बटा के दो यहाँ पर रखिएगा कड़ी में तीन बटा के दो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए अब इसको हल कर लीजिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या होगा दो एक का स्क्वायर करेंगे एक प्लस कड़ी तीन का करेंगे तीन और दो का करेंगे चार ठीक है माइनस देखिए कड़ी तीन का करेंगे तो कर तीन का करेंगे तो तीन हो जाएगा और दो का करेंगे दो दिन का चार देखिए फ्रेंड्स ये आपस में बराबर है तो यही इससे तो कट जाएगा घटेगा तो जीरो होगा लेकिन दो का एक में करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा दो तो इसका सही जवाब क्या होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए कम स्टेप में कितना सिंपल तरीका से आपको लगा के बता दिए फ्रेंड्स और यही आपके दो हज़ार तेईस के बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आए थे और दो हजार चौबीस में भी फ्रेंड्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी में से हंड्रेड परसेंटेज गारंटी देते हैं फ्रेंड्स उन्हीं में से सवाल आने वाले हैं ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स आपका आठवां नंबर का सवाल है इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जैसे सवाल आपको बताएँ फ्रेंड्स उसी प्रकार से इस सवाल को भी आपको हल करना है और ये सवाल देखिए 2020 के पेपर में आ चुका है देखिए सवाल कैसे है यदि यक्ष टेन पैंतालीस अंश का साठ अंश बराबर साइंस साठ अंश का आठ साठ अंश तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे देखिए यहाँ पर यक्स यक्ष गुड़े टेन पैंतालीस अंश का मान अभी बताएं फ्रेंड्स कितना होता है एक का साठ अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देख लीजिए कास है साठ है तो एक कितना होगा एक बटा के दो तो यहाँ पे एक बटा के दो रख लेंगे बराबर साइन साठ अंश का मान देखिए तो साइन ये है साठ ये तो कितना मान है कड़ी में तीन बटा के दो तो यहाँ पर रखिए कड़ी में तीन बटा के दो है काट साठ अंश का मान देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काठ है काठ साठ अंश का देखना है ना ये साठ है तो काठ साठ अंश का मान कितना होगा एक बटा के कड़ी तीन होगा oh. तो यहाँ पर रखिए एक बटा के करड़ी में तीन अब देखिए फ्रेंड हल करने का तरीका सीखे तुरंत हल कर लेंगे इसका गुणा करेंगे यक्स और बटा के दो हो जाएगा देखिए कड़ी तीन से कड़ी तीन कट जाएगा तो एक बटा के दो हो जाएगा तीन या गुड़ा कर लीजिए यहाँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जब हर मेरा आता है ना जब यहाँ पर हर मेरा और यहाँ पे ये यह दोनों बराबर से कट जाएगा यक्स बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यक्स का मान कितना आया फ्रेंड्स एक इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए दो हज़ार बीस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर है नवा नंबर का सवाल देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ये भी आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स ठीक है आप देख रहे होंगे तो हो सकता है ज़्यादा लिखा इसलिए आपको कठिन लग रहा हो लेकिन जब बताएंगे तो एक दो ही स्टेप में यह सवाल लग जाएगा देखिए कैसे लगेगा यदि टेन ए बराबर एक बटा कड़ी में तीन तथा टेन बी बराबर कड़ी तीन हो तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए देखिए ए टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो पहले तो आपको इसका टेन ए और टेन बी का मान पता होना चाहिए कि आप टेन ए टेन बी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स को टेन ए है तो यहाँ पर टेन ए बराबर निकालिए देखिए क्या है टेन ए बराबर एक बटा के कड़ी में तीन देखिए टेन ए अब बताए टेन के रूप में एक बटा कड़ी तीन का मान कितना होता है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो टैन ये है एक बड़ा कड़ी तीन ये इसके ऊपर देखें तीस अंश का मान है तो यहाँ से कितना रखेंगे टेन तीस अंश टेन तीस अंश तो देखो टेन से टेन हट जाता है तो एक मान कितना होगा एक मान आपका तीस अंश हो गया यानी एक मान तीस अंश हुआ इसी तरह टेन बी का देखिए टेन बी बराबर कड़ी में तीन तो टेन बी बराबर ये किसका मान होता था फ्रेंड्स आपको अभी तक याद हो गया होगा तो ये टेन साठ अंश का होता है टेन से टेन हटेगा तो बी बराबर साठ अंश हो जाएगा ठीक है तो टेन साठ अंश का मान कितना हो गया तो देखिए फ्रेंड्स, टेन साठ अंश का मान आपका कड़ी में तीन था ठीक है आपको ज्ञात क्या करना है टेन ए प्लस बी ज्ञात करना है ना तो देखिए यहाँ पर टेन ए प्लस बी ज्ञात करना है तो टेन ए का मान कितना है तीस अंश बी का मान कितना है साठ अंश तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन कितना हुआ 90 और 10 नब्बे और टेन नब्बे अंश का मान देखिए फ्रेंड्स कितना होता है ये टेन है और टेन नब्बे अंश का मान अनंत होता है तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन को देखते देखते हैं अनंत कहाँ पे दिया है कौन सा दिया है डी वाला ने ये करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए दो हज़ार सोलह के पेपर में पूछा जा चुका है सवाल ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं दसवा नंबर का सवाल क्या है देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स कि वन माइनस टेन स्क्वायर तीस अंश अपन वन प्लस टेन आर टी सन्स का मान होगा देखिए दो हज़ार तेईस के पेपर में आ चुका है देखिए फ्रेंड्स इसको लांग से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगा हुआ आपको देखिए ट्रिक हैं कि यदि साइन टू थीटा रहे यानी टू टेन थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा डायरेक्ट आप इसे साइन टू थीटा रख सकते हैं इसके अलावा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसको आप डायरेक्ट कास्ट टू थीटा लिख सकते हैं देखिए इसी रूप में लिखा है देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर जगह फ्रेंड्स <थीटा> तीस अंश इसके जगह पैंतालीस साठ कुछ भी हो लेकिन आपको ऊपर नीचे जो मान दिया वो बराबर होना चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर देखिए तीस है यहाँ माइनस प्लस है इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कास टू थीटा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कास टू थीटा होगा कास दू थीटा का मान कितना है तीस आंस तीस आंस रख लीजिए कास कितना हो जाएगा कास तीस दू के साठ आंस और कास साठ अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए चलिए आपको बता देते हैं देखिए काश ये लिखा है का साठ अंश यानी कितना होगा मान एक बटा के दो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स एक बटा के दो लिखा कहाँ पे थी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसे आप यदि लांग विधि से सीखना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग विधि भी इसका बता देते हैं आप दोनों विधि जानते रहिए फ्रेंड्स ये तो हुआ ट्रिक के द्वारा आप इसका लॉन्ग विधि देखिए फ्रेंड्स कैसे लगेगा देखिए वन माइनस टेन तीस अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स तो टैन तीस अंश का मान होता है एक बटा के करड़ी में तीन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लीजिए अपान यहाँ पे तीन है ठीक है वन प्लस टेन एक बटा करी तीन का स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स इसको ऊपर अंक बराबर देख काट मत दीजिएगा इसलिए कि देखिए आपका चिन्ह अलग अलग माइनस है यहाँ पे प्लस है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा सवाल में देखिए वन माइनस एक बटा देखिए एक का कर स्क्वायर करेंगे एक करी तीन का कर करेंगे तो तीन हो जाएगा बटा में देखिए एक प्लस एक का कर स्क्वायर करेंगे एक करी तीन का कर करेंगे तीन हो जाएगा देखिए तीन का एक में करेंगे तीन माइनस एक बटा के तीन अपन तीन का एक में करेंगे तीन प्लस एक जैसे भिन्न का जोड़ घटाना फ्रेंड्स हल करते हैं उसी प्रकार से ये हल करना है आपको तीन में से एक गया दो बटा के तीन हो जाएगा यहाँ तीन एक चार बटा के कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा जब बटा के बटा आएगा फ्रेंड्स तो क्या करना है आपको भिन्न को प्लट देना है तो तीन बटा के चार हो जाएगा तीन से तीन कटेगा दो एक में दो बना के चार हो जाएगा कितना होगा एक बटा के दो होगा देखिए कितना आपको लांग से सीखना है तो ऐसे लगा लीजिएगा सात साठ विधि से ब सीखना है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोनों विधि आपको बता दिए चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपका देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल भी इसी प्रकार से है अब क्या है कि वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस अंश का मान होगा ऑप्शन दिया है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे लगाएंगे जैसे आपको बताएं तो इसके जगह पर आप फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं कास टू थीटा ठीक है आप क्या लिख सकते हैं काश टू थीटा ठीक है टू ठीठा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका काश दू गुड़ा ठीठा का मान कितना दिया है पैंतालीस अंश यहाँ पर कितना हो जाएगा पा, काश पैंतालीस का गुड़ा करेंगे तो पैंतालीस बुना के नब्बे यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स काश नब्बे अंश कहाँ पर दिया है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको ये ट्रिक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा बोर्ड के एग्ज़ाम में ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपका हवा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स ये ऐसा सवाल है कि जो 2022 में तो पूछा ही था लेकिन इसके साथ में 2023 के पेपर में भी ये सवाल आया था ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स देखिए क्या है यदि सेक थीटा बराबर दो तो थीटा का मान होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते बस आप इसका मान पता होना चाहिए कि सेक कितने का मान दो होता है देखिए फ्रेंड्स आपको टेबल बस याद होना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स एक बार और बता देते हैं कि टेबल को याद करने का आपको ट्रिक बताएं कि कैसे याद कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा देखिए शेख यहाँ पे दो लिखा है अब इसके ऊपर चले आइए तो देखिए यहाँ पे कितना है इसके ऊपर इस खाने में साठ अंश है इसका मतलब सेख साठ अंश का मान कितना होता है सेख साठ अंश का मान दो यहाँ सेक साठ यानी साठ देखिए कहाँ पर दिया था सी वाला ऑप्शन करेक्ट है साठ अंश यही दिया है ना ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल है अगला नंबर का सवाल आप कैसे हल करेंगे देखिए हल करके आपको सिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स ये 2023 के पेपर में ये भी सवाल आ चुका है क्या है सवाल यदि दो का थ्री थीटा बराबर एक तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे यहाँ पे देखिए दो का तीन थीटा बराबर एक है तो पहले तो यहाँ से दो को पक्षांतर कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा काश तीन थीटा बराबर एक बटा के दो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि काश के रूप में देखना है कि, कि कितना का मान एक बटा के दो होता है तो फ्रेंड्स ये आपके सामने टेबल है तो काश कितने का देखिए काश है इसमें एक बटा के दो देखिए यह है एक बटा के दो ऊपर देखें साठ अंश का मान होता है तो इसका मतलब काश तीन थीटा एक बटा दू किस मान है काश साठ अंश का देखिए फ्रेंड्स इधर भी विकास इधर विकास तो ये हट जाता है आपका तीन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साठ अंश तो थीटा बराबर साठ बटा के तीन हो जाएगा देखिए तीन से कटाएंगे कितने बार में कटेगा बीस आंस तो कितना आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर बीस अंश तो देखिए इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसको इस प्रकार से सवाल को हल करना है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का सवाल है चौदह नंबर का देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे यदि साइन ठीठा बराबर कास्ट ठीठा देखिए सवाल को हल करते समय जब इसके आगे ऐसा कुछ दिया है ना तो सवाल में इसका कोई मतलब नहीं होता है ठीक है आपको बस क्या करना है कि थीटा का मान याद करना है जो ये 2023 के पेपर में आ चुका है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर काश थीटा इसको पहले पछ्छांतर कीजिए जब इसको पच्छांतरा करेंगे तो इसके बटा में आ जाएगा यानी कि इस तरह हो जाएगा साइन ठीठा बटा के काश और ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला कई बार पता है कि साइन थीटा बटा कास्ट थीटा क्या लिखते हैं टैन थीटा लिखते हैं और यहाँ पे हो जाएगा एक अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि टैन थीटा के रूप में एक का मान कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि टैन पैंतालीस अंश का मान कितना होता है एक टैन से टैन हट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा पैंतालीस अंश तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पैंतालीस अंश दिया है तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा तो पैंतालीस अंश ये दिया है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है पैंतालीस अंश आया था ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं आप अगला नंबर का सवाल है देखिए इसको कैसे हल करेंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस सवाल को तो आपको हल करना पड़ेगा ठीक है इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं लग पाएगा इसलिए देखिए बता रहे हैं कि क्यों नहीं लग पाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है वन प्लस यहाँ पर भी टेन स्क्वायर रहता है तो आपका फार्मूला लग जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेन स्क्वायर यहाँ पर दिया है यहाँ पे कार्ड स्क्वायर दे दिया है जो कि अलग है इसका आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं लेकिन इसको भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे आप समझने का बस प्रयास कीजिए देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखिए यहाँ पर पहले इसी को हल कर लेते हैं ठीक है देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस देखिए काट स्क्वायर ए है तो कार्ट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन अपान टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ये फार्मूला आपको बता दें कि नहीं बता दे फ्रेंड्स यदि देखे होंगे तो ये फार्मूला आपको याद होगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं इसमें वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपान देखिए इसके बटा बटाम कुछ नहीं इसका यहाँ पे कूड़ा करेंगे तो टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा ए प्लस वन हो जाएगा और इसके बटा में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स वन प्लस टेन स्क्वायर ए ठीक है जब बटा के बटा रहता है फ्रेंड्स तो ये क्या होता है पलट जाता है नीचे यानी कि ये ऊपर चला जाएगा टेन स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस वन नीचे आ जाएगा हर में आ जाएगा ठीक है ये भिन्न पलट जाता है अब देखिए फ्रेंड्स वन प्लस टेन स्क्वायर ए है टेन स्क्वायर प्लस वन है तो ये दोनों आपस में बराबर ही रहती है इससे कट जाएगा अब बचेगा कितना टेन स्क्वायर ए अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा है टेन Osionfish. अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स का मान कितना है तो फ्रेंड्स यहाँ सवाल में देखेंगे का तो का मान तीस अंश है तो यहाँ पे कितना रखेंगे तीस अंश और यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर बना लीजिए अब देखिए फ्रेंड्स टैन तीस अंश का मान कितना होता है तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए एक बटा कड़ी में तीन होता है टैन तीस अंश का मान कितना होता है एक बटा तो कड़ी तो तीन यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर लीजिए और देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक कड़ी तीन का करेंगे तीन तो आंसर कितना हो जाएगा एक बटा के तीन तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन में देखेंगे ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये 2023 के पेपर में देखिए फ्रेंड्स आ चुका है ठीक है अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें यहाँ पे ये तो था कि आपको इस तरह भी लगा सकते हैं या इसके अलावा फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक का मार रख सकते थे यानी इसको लगा सकते थे वन प्लस टेन स्क्वायर तीस अंश अपन वन प्लस काट स्क्वायर तीस अंश रख के आप उसका मार रख के भी भिन्न भी का जोड़ घटाने की तरह हल कर सकते थे ठीक है आपको ये सिंपल तरीका थोड़ा था इसलिए हम इसको बता दिए आपको चलिए फ्रेंड्स अब अगले नंबर के सवाल को देखते हैं अगला नंबर का देखिए आपका सवाल क्या है देखिए फ्रेंड सोलहवा नंबर का सवाल है यदि टेन ए टेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेन थीटा है ना यहाँ पे टेन थीटा पर ए अपन बी है तो बी साइन थीटा माइनस ए थीटा का मान होगा देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये 2019 के पेपर में आ चुका है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है टेन का मान दिया है ना तो आपको टेन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए देखिए फार्मूला कई बार आपको बता हैं टेन थीठा बड़ा फार्मूला होता है साइन थीटा वटा के होता है कि नहीं होता है इतना फार्मूला होता है अब फ्रेंड्स इस सवाल में बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए आपको क्या आएगा साइन थीटा बटा काश यानी हर में क्या होना चाहिए कास्ट देखिए यहाँ पे हर में तो है नहीं तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि काश थीटा को कांबल लीजिएगा जिससे इसके हर में क्या हो जाए काश तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कामल लेके फ्रेंड्स बताते हैं यहाँ से काश कामल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काश होगा थीटा कामल ले लीजिए तो देखिए बचेगा कितना यहाँ से बी बचेगा लेकिन देखिए फ्रेंड साइन होगा और देखिए फिर इसके बटन में कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे ही कामल लेंगे तो इसमें काश ठीटा हो जाएगा माइनस यहाँ से काश निकल गया तो यहाँ ए बचेगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इस यदि इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो आपको उतना ही प्राप्त हो जाएगा क्यों देखिए देखिए काश का कर करेंगे तो काश से काश कट जाएगा ए में करेंगे काश का कर, ए कास्ट ठीटा हो जाएगा मान में कोई परिवर्तन नहीं आया अब देखिए फिर इसी प्रकार से क्या करना है कि हर में भी आपको काश ठीटा ही कामल लेना है तो काश ठीटा कामल ले लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी है तो बी यहाँ से साइन ठीटा है तो साइन ठीटा बटा क्या हो जाएगा काश बारह गए तो यहाँ पर कास्ट थीटा हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ए है तो एक कर लीजिए ठीक है देखिए कास्टा कास्ट सीटा कट जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी साइन बटा काश आप क्या लिख सकते हैं टेन थीठा तो थी, यहाँ पर टेन थीटा लिख लीजिए और माइनस ए है तो एक कर लीजिए अपान यहाँ पर देखिए बी साइन डिटाबाइड कास्टा को टेन थीटा लिखिए और प्लस ए है तो प्लस ए कर लीजिए और फ्रेंड बस अब क्या कीजिए कि इसका मान रख लीजिए चलिए रख लेते हैं देखिए बी गुड़े टेन थीटा का मान कितना है तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए टेन थीटा का मान कितना है ए अपन बी है ना तो ए अपन बी रख लीजिए ए अपन बी और माइनस ए है तो ए कर लीजिए अपन ये देखिए बी है गुड़ है टेन थीटा का मान देखिए टेन थीटा का मान ए अपन बी तो ए अपन बी कर लीजिए और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा देखिए बी से बी कटेगा यहाँ बी से बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऊपर ए माइनस ए बचेगा और नीचे ए प्लस ए बचेगा देखिए ए में से ए फ्रेंच आएगा तो क्या बचेगा जीरो घटेगा तो ये कटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा ए कितना टू ए और टू ए का जीरो में भाग देंगे तो क्या होगा जीरो आएगा तो इसका सही जवाब देखिए कौन सा होगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस सवाल को फ्रेंच इस प्रकार से लगाना होता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपका सत्रह नंबर का सवाल है इस सवाल को कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स टैन थीटा बराबर टू ए बी अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब कास्ट थीटा का मान होगा देखिए दो हज़ार बाईस के पेपर में आ चुका है देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लगाने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं है सिंपल तो देखिए इसको डिटेल में बताते हैं टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स लम बटा के आधार होता है फार्मूला ठीक है स्टार्टिंग में फार्मूला दिखा चुके हैं उस फार्मूला के एक बार जरूर लिख लीजिएगा ठीक है देखो टेन थीटा का मान कितना है टू ए बी अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मतलब लम्ब का मान ये हुआ और आधार का मान ये हुआ जब भी आपको अलग से कोई ज्ञात करना रहता है तो वहाँ पे आपको एक मान पता होना चाहिए वो होता है कर्ण ठीक है तीनों भुजा पता होना चाहिए कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा तो पाइथागोरस प्रमेय फ्रेंड्स क्या होता है देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ठीक है यहाँ पे ये फार्मूला लगाइए लंब का स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कड़ कर घात करना है तो कड़ का स्क्वायर रहने दीजिए यहाँ पे आधार कितना है तो आधार देखेंगे फ्रेंड्स तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इस पर देखिए स्क्वायर थी पूरा भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब स्क्वायर मतलब टू ए भी है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो कर लीजिए ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इसका स्क्वायर करें ए का स्क्वायर होता है तो ए पे चार घात हो जाएगा प्लस बी पे कितना हो जाएगा चार घात हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा यार ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है फ्रेंड्स ठीक है प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दो दिनों का चार ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि इसको इस रूप में लिखना रहेगा तो लिख सकते ए पे चार घात प्लस बी पे चार घात देखिए चार में से दो गया यहाँ सजा दी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सजा दी चार में से दो गया दो तो प्लस कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स ये जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये देखिए इसको लिखना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर वाला फार्मूला है यार ए पे चार घात और बी पे चार घात और टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाता है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आप कड़ ज्ञात किए हैं क्या ज्ञात किए हैं कड़ का स्क्वायर ज्ञात किए हैं देखिए फ्रेंड्स स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं दोनों पक्षों का कर लेते हैं या आप सभी को पता होगा यहाँ से कर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हटेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कर्ण का मान पता चला ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब देखिए फ्रेंड्स आपको ज्ञात क्या करना है आपको जो ज्ञात करना है कास्टा ज्ञात करना है तो कास्टा वाला फार्मूला क्या होता है चलिए लिख देते हैं यहीं पर कास्टा वाला फार्मूला होता है आपका आधार बटा के कर्ण होता है ठीक है आधार कितना है देखिए आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब कड़ कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए फ्रेंड्स इसका कोई शार्ट टिक नहीं था इसको लांग विधि से ही समझना है आपको ठीक है देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए कहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और प्लस में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये दो हज़ार बाईस के पेपर में फ्रेंड्स आ चुका है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अट्ठारह नंबर का सवाल देखिए और इस सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपको लगाना कैसे है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स दो हज़ार चौबीस के लिए एकदम तो इम्पॉर्टेंट कर लीजिए इसको हंड्रेड परसेंटेज गारंटी देते कि ये सवाल दो हज़ार चौबीस के बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है ठीक है देखिए इस सवाल को क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पर नौ है यहाँ पर नौ है। दोनों में नौ सामने नौ कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा सिक्सक्वायर एम माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा मानस टेन स्क्वायर थीटा है यानी इस रूप में है तो उसका मान कितना होता है एक देखिए सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के रूप में है यहाँ पर क्या हो जाएगा नौ गुड़े एक हो जाएगा यानी इसका मान एक हो जाएगा नौ के एक में करेंगे तो नौ ये हो जाएगा इसका सही जवाब बी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स इसको फिर से बोल रहे हैं कि दो हज़ार चौबीस के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखिए फ्रेंड्स आपका उन्नीस नंबर का सवाल है कि साइन स्क्वायर ठीठा इंटू सेक स्क्वायर ठीठा का मान होगा देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेक साइन स्क्वायर ठीठा तो साइन स्क्वायर ठीठा रहने दीजिए गुड़ा का चिन्ह सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपान स्क्वायर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं काश स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ठीठा अपान स्क्वायर ठीठा तो आप साइन बढ़ाकर क्या लिखते हैं फ्रेंड्स टेन लिखते हैं स्क्वायर तो हैं यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए थीटा बन लीजिए यानी क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा तो इसका मान कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा होगा तो ऑप्शन में देखिए कौन सा सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब फ्रेंड्स देखिए आपका बीसवा नंबर का जो सवाल है ये आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा किस रूप में रहेगा होमवर्क के तौर पर आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका जवाब आप जरूर कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स यदि आपको इसी प्रकार के सभी विद्या के फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बता देते हैं कि त्रिकोणमिति के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे आपको एक से लेकर छ पार्ट में करा चुके हैं ठीक है उसको देख लेंगे तो आपको गारंटी देते हैं त्रिकोणमिति से किसी प्रकार का आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है तो आप हंड्रेड उस सवाल को कर लेंगे यदि आप छो वीडियो देखे रहेंगे तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला ऊंचाई दूरी ठीक है अगला चैप्टर क्या रहेगा आपका ऊंचाई दूरी से संबंधित जो सवाल है आपको हल कराने वाले हैं तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करें ठीक है